हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू बी एडुकेट। तो आप में से जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे उनमें से मैक्सिमम या तो किसी लॉ कॉलेज में जाना चाहते हैं या लॉ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गए, या तो वो उस लॉ कॉलेज में जाने के लिए जो भी उसकी एंट्रेंस एग्जाम होती है उसकी तैयारी उन्होंने स्टार्ट कर दी होगी। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी रह सकते हैं जिनका लॉ में भी बहुत इंटरेस्ट है और उसके साथ ही साथ वे चाहते हैं कि देश को सर्व भी करना है, आर्मी में भी लेकर उन्हें काफी इंटरेस्ट होगा, बट दूसरी तरफ अगर देखे तो उन्हें लॉ में ही उतना इंटरेस्ट है। तो क्या इसका कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है? कभी आपने ट्राई किया है कि आर्मी और लॉ दोनों के कॉम्बिनेशन से कुछ हो सकता है? अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हो तो मैं आपको बोलूंगा ये वीडियो को आप 2 सेकंड के लिए पॉज करिए और जरूर एक बार आर्मी एंड लॉ ये गूगल करके देखिए। ठीक है, अगर आपने गूगल करके देखा होगा तो आपके सामने कुछ इमेजेस आएंगी, एक इंस्टीट्यूट का नाम आया होगा, उसी के बारे में, उसी की एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आर्मी में भी अगर हम देखें तो आर्मी के अलग से लॉज होते हैं, जो आर्मी में आर्मी ऑफिसर्स है, जो जवान सोल्जर्स है उनके लिए भी पर्टिकुलर लॉज होते हैं, और अगर वो इसका वायोलेशन करते हैं तो उसके लिए कोड्स भी है। सो आर्मी कोड्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्टीट्यूट की जरूरत थी। दूसरे कॉलेजेस से भी अगर आर्मी कोड्स में अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए भी एलएलबी ही लगता है। कोई भी कॉलेज से आप एलएलबी करके उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन आर्मी में जाना है तो इसका प्रोसेस रिगरस होता है। लेकिन आज हम एक ऐसे ही इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के बारे में। ये स्टार्ट किया है आर्मी एडुकेशन वेलफेयर सोसाइटी ने। तो यहाँ पर बीए एलएलबी ये कोर्स ऑफर होता है 5 ईयर का। ठीक है, ये आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ का फायदा ये है कि जैसे आप किसी भी लॉ कॉलेज के बाद में आपके पास में अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, आप कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिटिगेशन कर सकते हैं, आप चाहे तो कॉरपोरेट सेक्टर में जाके काम भी कर सकते हैं, आप जुडिशरी में भी जा सकते हैं, सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं, और एक और जो मैंने आर्मी का आपका ऑप्शन बताया था दैट इज कॉल्ड जैग, जज एडवोकेट जनरल, मतलब आर्म फोर्सेस में भी यहाँ पर जरूरत होती है लॉयर्स की और जजेस की, उसके लिए अलग सा एक पूरा जैग कैडर अलग से होता है, उसके लिए अलग से पूरी सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट बताया मैंने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, तो नाम से ही पता चल रहा है मेजॉरिटी ऑफ इसमें जो आपको सिखाया जाता है वो इस ही हिसाब से सिखाया जाता है। ये कल को अगर आप आर्मी इवन नेवी एयरफोर्स में जाना चाहते हैं लॉ लेकर, तो ये आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। इसलिए अपने आप में ये आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात यह है कि यहाँ पर एडमिशन कैसे मिलता है। तो आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ जो है इसमें एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होती है, दिस इज कॉल्ड AIRAILLET, दैट इज आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ लॉ एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, अपने आप में ये अगर एग्जाम की हम बात करें तो ये एंट्रेंस टेस्ट 4 सेक्शंस में होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक है, इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। पहला मेंटल एबिलिटी। अब ये आप में से बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे मेंटल एबिलिटी, लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। मेंटल एबिलिटी में आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद में जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा सेक्शन है, दैट इज जीके एंड करंट अफेयर, जो हमें MSCET या दूसरे जो एंट्रेंस एग्जाम्स है जिसमें जीके में वही हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर में लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स, यही सारा सिलेबस है। उसके बाद में लॉ एप्टीट्यूड है, जैसे हम दूसरे एंट्रेंसेस में देखते हैं लॉ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग होता है, उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम ही लगभग सिलेबस होता है जिसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, फैमिली लॉ, इंटरनेशनल लॉ एटसेट्रा लॉस, इनका आपको बेसिक नॉलेज आपका टेस्ट करते हैं। और जो 4th सेक्शन है दैट इज जनरल इंग्लिश, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कुछ पार्ट ग्रामर का भी हमें देखने को मिलता है। हर सेक्शन से 50 क्वेश्चंस आते हैं और हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क है। सो 2 घंटे का ये एग्जाम होता है और 200 क्वेश्चन इसमें होते हैं 200 मार्क्स के लिए। नेगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो मीडियम है एग्जाम का ये स्ट्रिक्टली इंग्लिश है।
अब यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी है, कौन बच्चे इसे दे सकते हैं, वो हम जान लेते हैं। तो 10+2 मतलब आप 12th पास होना जरूरी है और आपको मिनिमम आपके पास में 45% मार्क्स होने चाहिए। जो लोग 12th में है अभी एग्जाम देने वाले हैं वो भी इस कॉलेज के एंट्रेंस देने के लिए एलिजिबल है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 100 सीट है इस इंस्टीट्यूट में, एवरी ईयर 100 सीट्स फिल होती है, उसमें से 75 सीट्स जो है इट इज रिजर्व फॉर वार्ड्स ऑफ आर्मी पर्सनल, मतलब आपके अगर पेरेंट आर्मी में है तो आप के लिए यहाँ पे 75% सीट्स रिजर्व है। वही ये इंस्टीट्यूट लोकेटेड है मोहाली पंजाब में, इसलिए जो पंजाब रेसिडेंट है इनके लिए 20 सीट्स रिजर्व्ड है, वही ऑल इंडिया कैटेगरी की केवल यहाँ पर 5 सीट्स है। तो इसमें काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। ये एग्जाम की अगर हम बात करें तो हर साल ये मई जून के महीने में होती है, अप्रैल से इसका फॉर्म स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग है, जैसे जो पंजाब रेसिडेंट्स है तो पंजाब रेसिडेंट की जो 20 सीट्स है उसके लिए उनको अलग से एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर जो है यहाँ पे मेरिट के बेसिस पे जो पंजाब के रेसिडेंट्स है उनके लिए मेरिट 20 सीट्स के लिए अलग प्रिपेयर होती है। बाकी अगर आप ऑल इंडिया कैटेगरी या वार्ड्स ऑफ आर्मी पर्सनल की कैटेगरी से जाना चाहते हैं तो आपको ये लॉ एंट्रेंस टेस्ट जो है AIL लॉ एंट्रेंस टेस्ट आपको देनी होगी। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करें तो लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 1 अप्रैल को इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 2022 में। इस बार भी एस्टिमेटेड है कि ये अप्रैल या मार्च के सेकेंड हाफ में स्टार्ट हो सकता है। अगर आपको इससे रिलेटेड अपडेट चाहिए होंगी तो आप चाहे तो हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं, जैसे ही इसका फॉर्म आएगा हम आपको जरूर अपडेट करवाएंगे। ठीक है, सो लास्ट ईयर करीब करीब 1 मंथ का टाइम दिया था, 1 मंथ से थोड़ा ज्यादा टाइम दिया था 10th मई तक फॉर्म फिलिंग के लिए। वही उसके बाद में अगर हम देखें तो जो फाइनल एंट्रेंस एग्जाम थी ये जून के महीने में हुई थी। इस बार हाई चांसेस है कि ये जून के फर्स्ट हाफ या मई सेकेंड हाफ में हो सकती है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉलेजेस के बारे में जानने के लिए, इनके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में जानने के लिए आप हमें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप इस एंट्रेंस से रिलेटेड कोई हेल्प चाहे, दैट वी आर कोचिंग इंस्टीट्यूट, और आपको कोचिंग भी चाहिए तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी मीडियम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे मुंबई में 2 ऑफलाइन ब्रांचेस है, दैट इज एट डोंबिवली एंड घाटकोपर। उसके अलावा पैन इंडिया ऑनलाइन, हम पैन इंडिया यहाँ पर आपको हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप इस स्क्रीन पे दिए हुए नंबर दैट इज 8383818888 पर कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून्ड टू बी एडू।